अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान दुनिया में अपनी सरकार को मान्यता दिलवाना चाहता है, तो अब वहीं चीन की ओर से उसे सकारात्मक संदेश मिला है। अफगान पर पूरी तरह से कब्जा करने के चंद दिनों बाद चीन ने कहा है कि वह तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है और तालिबान अब और अधिक स्पष्ट और तर्कसंगत दिखाई दे रहा है। चीन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि तालिबान अपने किए गए वादों को पूरा करेगा, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की बात शामिल है। लेकिन चीन तालिबान को मान्यता क्यों देना चाहता है और इसके पीछे चीन की चाल क्या है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुन यिंग ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा सकता है कि अफगान तालिबान अतीत के इतिहास को नहीं दोहराएगा और अब वो अपने पिछले शासन की तुलना में स्पष्ट और तर्कसंगत है। चीन की ओर से कहा गया कि वास्तव में देश में तेजी से समाधान यह दिखता है कि इस स्थिति में ऑब्जेक्टिव जजमेंट की कमी है और अफगान में जनता की राय को सही ढंग से समझने में विफलता हासिल हुई है। विशेष रूप से कुछ पश्चिमी देशों को समूह लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगा, उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा और एक खुली समावेशी इस्लामिक सरकार बनाने का प्रयास करेगा। इसके आगे चीनी प्रवक्ता का तालिबान के लिए प्रेम और भी झलका। हुआ ने आगे बताया कि दरअसल हम देश की संप्रभुता और विभिन्न गुटों की इच्छा के सम्मान के आधार पर कह रहे हैं कि चीन ने अफगानिस्तान में बड़े बदलाव के बाद पिछले कुछ दिनों के दौरान अफगान तालिबान के साथ बातचीत और संपर्क बनाए रखा है। इससे पहले भी बुधवार को चीन ने कहा था कि वो अफगानिस्तान में सरकार के गठन के बाद तालिबान को राजनयिक मान्यता देने का फैसला करेगा। हुआ ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तालिबान ने ये भी कहा है कि वो सभी के लिए समानता के लिए प्रतिबद्ध है, भेदभाव को खत्म करेगा और पूर्व सरकारी कर्मचारियों को माफ कर देगा। साथ ही महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोजगार और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करेगा। वहीं तालिबान ने ये भी कहा कि वे अफगान नागरिकों और विदेशी मिशनों की सुरक्षा के लिए भी काम करेंगे और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहेंगे। अंत में चीनी प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान ने कहा है कि वो अन्य देशों को धमकी देने के लिए आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। चीन ने रूसी और अन्य देशों के राजनयिक नेताओं और काबुल में तालिबान के प्रवेश करने के बाद तालिबान के व्यवहार की अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा दी गई मान्यता को भी देखा है। उनका मानना है कि यह इच्छा सकारात्मक और व्यवहारिक है।